क्या हुआ? दीपेंद्र का कुछ पता चला? जी हाँ, पता तो चल गया है। तो आप लोग उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? अब क्या बताएं? वो क्या मतलब है आपका? दीपेंद्र की मौत हो गई है। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? जंगल में जहां उन्होंने अपना टेंट लगा रखा था, उससे थोड़ी दूर पे हमें उनकी लाश मिली है। पर क्यों? किसने मारा होगा उसे? कौन कर सकता है ऐसा? हाँ? ये तो आप ही हमें बता सकती हैं। दीपेंद्र से किसी की कोई दुश्मनी थी? जी जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। देखिए, दीपेंद्र के साथ वहां एक आदमी और भी था, उसके बारे में हमें अभी तो कुछ पता नहीं चला है। आप लोग बता सकते हैं कि दूसरा आदमी कौन हो सकता है? आपने उनसे पूछा? प्रशांत से, जॉय से? जी हाँ, मगर वो दोनों दीपेंद्र के साथ नहीं गए थे। लेकिन इनके अलावा तो हम और किसी को जानते नहीं। हमें एक जली हुई चेकबुक मिली है जिस पर दीपेंद्र की कंपनी का नाम लिखा है। ये कंपनी की चेकबुक किसके पास रहती थी? चेकबुक तो हमेशा ही ऑफिस में होती थी। ठीक है, दीपेंद्र की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, आपको बाद में मिल जाएगी। ये चेकबुक आपके पास कहां से आई? क्यों, क्या हुआ? सर, ये चेकबुक मिल नहीं रही थी, इसी चेकबुक की वजह से हम बर्बाद हो गए। किसी ने इस चेकबुक में से दो चेक निकालकर बैंक से 40 लाख रुपए निकाल लिए। 40 लाख रुपए निकाल लिए? इतनी आसानी से कैसे हो गया ये? आप लोगों को पता नहीं चला? पता चला सर, लेकिन पैसे निकल जाने के बाद। पर ऐसा हो कैसे सकता है? हम तीन पार्टनर हैं, मैं, दीपेंद्र और सुरेश। अगर हम तीनों में से कोई दो एक चेक पे साइन कर देता तो चेक पास हो जाता है। किसी ने सर दीपेंद्र और सुरेश के साइन करके बैंक से 25 लाख रुपए निकाल लिए, और दूसरे दिन मेरे और सुरेश के साइन करके 15 लाख रुपए निकाल लिए। सर, हम दो ही दिन में बर्बाद हो गए, लूट गए। अच्छा, आप ये चेकबुक कहाँ रखते थे? यही पर सर। आपको किसी पर शक है? किसने किया होगा ये सब? सर, मेरा तो हर आदमी पे शक है। आपके पास अभी वो चेक्स हैं जिससे पैसे निकाले गए थे? मेरे पास है सर, मैं बैंक से मांग कर लाया हूं। ये लीजिए सर, देखिए सर, किसी ने इतनी सफाई से साइन किए हैं कि लगता नहीं है कि नकली है। आप भी देखिए। आपके वो आपके तीसरे पार्टनर सुरेश, वो कहाँ आजकल? सर, वो 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। आप उनका पता दीजिए। सर, कोई फायदा नहीं है, वो घर पे नहीं है। आप उसका पता दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। दरवाजा तोड़ दो। सर देखो, ये लैंप ऑन करो। अच्छी तरह घर छान मारो, अलमारी खोलकर देखो, कहीं सामान वामान बांध के भाग तो नहीं गया। सर? आशा सर, ये देखिए। क्या? सर, यहाँ इसने साइन किया है। गगन, गगन, जरा इस चेक से मैच करके देखना। सर, पेज पलटा। दीपेंद्र, ओह, तो सुरेश यहां बैठ के गगन और दीपेंद्र के साइन करने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो सुरेश ही है जिसने ये नकली साइन करके अपने कंपनी को लूटा है और फिर दीपेंद्र का खून कर दिया। लेकिन दीपेंद्र का खून क्यों किया? यस सर। ओके सर, हम लोग पहुंचते हैं। एसीबी साहब ने हमें फौरन ब्यूरो में बुलाया है, ब्यूरो में हंगामा मचा हुआ है। सुधाकर,
फ्रेडरिक्स सर, तुम लोग घर की अच्छी तरह तलाशी लो, बाद में ब्यूरो में आकर रिपोर्ट करना। ओके सर। देखिए उन्हें फोन किया है, वो लोग आते ही होंगे। ये लो आ गए। यस सर, आपने हमें फौरन आने के लिए कहा? हाँ, ये यहां काफी परेशान थी, इन्होंने केस का पासा ही पलट दिया है। ये कैसा बेहुदा मजाक किया है आपने मेरे साथ? ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, जो लाश आप जंगल से उठाकर लाए हैं वो लाश मेरे पति की नहीं है। क्या? आपके पति की नहीं है? जी नहीं। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरे भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसके पेट पे टांकों के निशान है यहाँ पे, लेकिन इस लाश पे ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरा भाई नहीं है। अगर ये आपके भाई नहीं है तो फिर ये लाश किसकी है? ये लाश सुरेश की है। सुरेश? हाँ, ये कह रही है कि लाश सुरेश की है। मगर ये लाश सुरेश की कैसे है? क्योंकि जो शर्ट और घड़ी सुरेश ने पहन रखी है वो हमने ही उसे उसके जन्मदिन पर दिए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो लाश दीपेंद्र की नहीं है तो फिर दीपेंद्र गए कहाँ? और सर, वो खून से सना हुआ दीपेंद्र का कोट जो हमें टेंट से मिला था, उसका क्या? अभिजीत, हमें फिर से जंगल में जाना चाहिए। सब ठीक ठाक है? यस सर। मैं दीपेंद्र की जींस लाता हूँ। ये देखना जरा, ये दीपेंद्र की जींस है। ये उन्हीं की है। इसे जरा सुनाना। स्मिथ, 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 मेरे दीपेंद्र को कुछ हो ना क्या हो, लेकिन हम एक आदमी को ढूंढने निकले और हमें दो लाशें मिल गई। सर, दोनों ही पार्टनर्स मर गए। हाँ, दोनों ही पार्टनर्स। इनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कोई फ्रॉड वगैरह, जिसकी वजह से इन दोनों का मुंह बंद कर दिया गया। सर, कंपनी के पेपर पर चेक करेंगे, सब पता चल जाएगा। सर, यह भी तो हो सकता है कि गगन खुद नकली सिग्नेचर करके पैसा चुरा रहा हो। इस बात का पता दीपेंद्र और सुरेश को चल गया, इसलिए गगन ने कुछ कर करा के दोनों का खून कर दिया। अब कैसे किया सर, ये तो पता नहीं। हमें जो तीन चीजें वहां जंगल में मिली,
एक वो जूतों के निशान, दूसरा वो बटन और तीसरी वो चाबी। हो सकता है वो खूनी की है। तुम एक काम करो, कगन के घर में जाके देखो कि चाबी और बटन उसी के है क्या, और उसके घर में जितने भी जूते हैं सब लेके आओ। हाँ तो गगन साहब, देखिए आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? सुरेश और दीपेंद्र तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब दोस्तों का ही चक्कर है, किसी दोस्त ने किया है ये सब। छोड़िए, ये बताइए कि जूते कहाँ रखते हैं आप? जूते यहाँ हैं। देखिए साहब, मैं उस जंगल में आज तक गया तक नहीं। आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? कपड़े इसी अलमारी में रखते हैं ना आप अपने कपड़े? जी हाँ। अलमारी तो बंद है। इट्स लॉक्ड। देखिए मैं आपको चाबी दे देता हूं, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। चाबी यहां तो रखी थी मैंने, कहां गई? एक चाबी हमारे पास भी है। जी ये चाबी? हाँ चाबी, इसे लगाकर देख लेते हैं, शायद इससे ये अलमारी खुल जाए। देखा, खुल गया। ये चाबी आपके पास कैसे? ये चाबी हमें जंगल में से मिली है। पर आप तो कह रहे थे कि आप कभी जंगल में गए ही नहीं, हैं? सर, आप एड्रेस? सारा घर छान मारा। कैश मिला? नो सर। कोई और जूते? नो। मिल गया, ये बटन इसी जैकेट का है, ये देखो। देखा आपने, ये बटन आप ही के जैकेट का है। ये चाबी और बटन जंगल में कैसे पहुंच गए? सर ये मेरी जैकेट का बटन जंगल में आपको कैसे मिला? वहां पड़ा हुआ था। लेकिन वहां गया कैसे? देखिए गगन साहब, जंगल में तो आप गए थे, मैं तो नहीं। और आपने ये जैकेट पहनी थी जिसका ये बटन। अब वहां कुछ हाथापाई हुई होगी और ये बटन वहां गिर गया। ये देखिए देखा, अब ये आपका जूता है ना? हाँ जी हाँ, ये मेरा जूता, आप मेरे घर से लेके आए थे ना? जी हाँ, इसका मैंने ये कास्ट बनाया है, देना जरा। अब ये देखिए कितना मिलता है ना? हाँ ये तो बिल्कुल मिलता है। जी हाँ, ये हमने जंगल में बनाया है। दीपेंद्र की लाश जहाँ मिली उसके पास से हमें जूतों के निशान मिले, आपके जूतों के निशान, ये समझे? आपको मतलब है कि मैं ये? इसका मतलब है आप जंगल में गए थे। देखिए साहब, मैं जंगल में गया ही नहीं। तो फिर ये बटन वहां आया कैसे? ये बटन मेरा नहीं है। अच्छा, ये जैकेट तो आपकी है ना? हाँ, ये जैकेट मेरी है। लेकिन साहब, एक हफ्ते पहले मैंने इसको ड्राई क्लीनर को दी थी। आप चाहे तो उसे जाके पूछ सकते हैं। हाँ। सर देखिए, ये जैकेट आपके यहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए कब आई थी? ये लॉन्ड्री मार्क तो हमारा ही है, पर ये जैकेट है किसकी? इसमें लिखा है ना ये क्या? जी हाँ, अभी पता करता हूँ। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा सर? गगन करगम। ये जैकेट 10 दिन पहले यहाँ आई थी साहब। अच्छा, और 2 दिन पहले उसे यहाँ से ले गया। तो देखिएगा, ये एक इसका बटन टूटा हुआ है ना? ये बटन आपके यहाँ टूटा था कि उसे घर में? नहीं साहब, ये हमारी लॉन्ड्री में नहीं टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, एक बटन मिसिंग। देखिए है ना लिखा हुआ,
अगर ये जैकेट लॉन्ड्री में थी तो बटन जंगल में कैसे पहुंच गया? माना कि जैकेट लॉन्ड्री में थी, मगर वो बटन तो हमें जंगल में ही मिला ना, जंगल में। और सर वो अपने आप उड़ के तो वहां गया नहीं होगा, किसी ना किसी ने ये वहां ले जाके डाला है सर। सर ये कोई ऐसा आदमी है जो गगन के घर आता जाता रहता है, जिसे ये मालूम है कि गगन कौन से जूते पहनता है, उसके जूते का नंबर क्या है? हमें इस असली मुजरिम को पकड़ने के लिए फिर से जंगल में जाना होगा सर। फिर से तीसरी बार? हाँ, और इस बार भी हमें जॉय की मदद लेनी पड़ेगी। जॉय की मदद फिर से सर? क्यों? सर सोचो दया, ये सारे सबूत इतने बड़े जंगल में क्या तुम अपने आप ढूंढ सकते थे? नहीं सर। सर ये चाबी भी जॉय ने ही दिखाई थी। जॉय को बुलाओ साथ चलने के लिए। सर पैसा। अभी तो आपको दोनों लाशें भी मिल गई। हाँ। फिर से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लाशें मिल गई, गगन पकड़ा भी गया। तो फिर? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सिक्का। सर, इसकी नजर बहुत तेज है, जंगल में एक के बाद एक चीजें ढूंढता चला गया। हम लोग अकेले होते तो शायद जरा मुश्किल होता है। जॉय, ये सिक्का मेरे बॉस ने मुझे दिया था और उसने कहा था कि जब तक ये सिक्का तुम्हारे पास रहेगा दुनिया का कोई भी केस तुम सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं आज ये सिक्का काम करता है क्या। सर, सर ये क्या किया आपने? सर जॉय ढूंढ के दिखाओ, ये सिक्का मुझे ढूंढ के दिखाओ। जाओ। हाँ हाँ, देखो कहीं भी गिरा होगा। सर इतने बड़े जंगल में इतनी छोटी सी चीज ढूंढना जरा मुश्किल काम। क्यों, तुम तो जंगल के बड़े एक्सपर्ट हो। जी हाँ सर, तो वो तो हूँ, लेकिन ये काम जरा मुश्किल है सर। क्यों? तो फिर इतने बड़े जंगल में इतनी आसानी से तुम्हें बटन कैसे मिला था, चाबी कैसे मिली थी? बताओ। दीपेंद्र का फोन कैसे किया तुमने? बताओ। बता कैसे मारा? बता बता। मैं और दीपेंद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दीपेंद्र को पता चला कि मैं किसी के भी सिग्नेचर्स की नकल कर सकता हूं। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं सुरेश और गगन के सिग्नेचर्स की नकल करूं तो हम लोग उनके अकाउंट से काफी रुपया निकाल सकते हैं। इसका मतलब दीपेंद्र तुम्हारे साथ मिला हुआ था? हाँ। एक दिन दीपेंद्र सुरेश को यहाँ ले आया, दूसरे दिन मैं भी यहाँ आ गया और हम दोनों ने मिलके सुरेश को जान से मार डाला। प्लान ये था कि सुरेश को मारने के बाद मैं दीपेंद्र को भी घायल कर दूंगा ताकि पुलिस को ये लगे कि उन दोनों पर हमला हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर फंसना गगन को ही है तो क्यों ना मैं पूरे 40 लाख रुपए ले लूं और दीपेंद्र को मार दिया है? जी। अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। जंगल में गगन का बटन और चाबी कैसे आए? दीपेंद्र लाया था, वो ठीक वैसे ही जूते भी लाया था जैसे गगन पहना करता था। मैंने उन्हीं जूतों से जंगल में निशान बनाए। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।